देश के कई हिस्सों में तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। अनुमान के मुताबिक पश्चिमी हिमालय से शुष्क और बर्फीली हवाएं जल्द ही देश के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में लेने वाली हैं, जिसका असर दिल्ली एनसीआर समेत कई हिस्सों में दिखेगा। आने वाले 2-4 दिनों में दिल्ली का न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री तक जा सकता है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में सुबह और शाम को तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। दिन में धूप निकलने के कारण लोगों को ठंड में राहत मिल रही है। 15 नवंबर के बाद से दिल्ली एनसीआर के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर के लोगों को ठंड के साथ साथ प्रदूषण का भी सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में हवा की क्वालिटी खराब श्रेणी में बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 दिसंबर के बाद दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का अनुमान है। IMD के मुताबिक रविवार को जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। श्रीनगर में शनिवार को न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस, गुलमर्ग में -1.5 डिग्री सेल्सियस और पहलगाम में -1.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी ने ठंड बढ़ा रखी है।